भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पिछले 1.5 वर्ष से चल रही है। इस मध्य लोकसभा चुनाव हुए सरकार ने पूरी ताकत झोंकी, करोड़ों रू व सरकारी मशीनरी लगाई, परंतु भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम पर व भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत से चारों लोकसभा सीटें जीती। इन लोकसभा चुनावों में 68 विधानसभाओं में से 61 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा जीती। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार विगत 1.5 वर्ष से चल रही है। इसी मध्य लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस सरकार ने और कांग्रेस पार्टी ने तय किया, बड़ी मात्रा में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, धन बल का इस्तेमाल किया। उसके बावजूद चार पार्लियामेंट में से चार की चार पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर के साथ जीती। 68 विधानसभा क्षेत्रों में 61 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी। 12 मंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मिलाकर के 10 मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारे। 10 जुलाई को हुए 3 उपचुनावों में हमीरपुर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती। माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना गृह जिला, मुख्यमंत्री जी ने हमारे विधायक के ऊपर बड़ी भारी मात्रा में झूठे मुकदमे बनाए, डर भय आतंक का माहौल बनाया। हमारे कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार करने से पुलिस ने लगातार रोका, जबकि सरकारी मशीनरी सरकारी अमला पूरी तरह कांग्रेस पार्टी का काम करता रहा। मुख्यमंत्री स्वयं 7 दिन हमीरपुर के गली मोहल्लों में खाक छानते रहे, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी हमीरपुर का चुनाव जीती। नालागढ़ के चुनाव में जिस तरह से गुंडा राज वहां पर खुलेआम चल रहा था, गली मोहल्लों के अंदर ठेकों की तरह से शराब बंट रही थी और बंदूक की नोक के ऊपर व्यक्तियों को डराया धमकाया जा रहा था, इसी प्रकार देहरा के अंदर सरकार चुनाव लड़ रही थी, ना कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के माननीय उम्मीदवार के पीछे गाड़ियों के हिसाब से और पुलिस लगा करके रखी, जगह जगह नाके लगाकर भाजपा के कार्यकर्ताओं को डराने का धमकाने का रोकने का काम किया। करोड़ों करोड़ों रुपया धन मुख्यमंत्री जी ने अपनी पत्नी को जिताने के लिए लगाया और ऐसे सर्कमस्टांसिस के अंदर कांग्रेस ने ये चुनाव जीता है। परंतु ये हिमाचल की जनता सब जान रही है कि जो सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के भारी भरकम आरोप लगाए वो धनराशि किस काम पर आई, ये हिमाचल की जनता जान रही। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।